वेलकम टू टी आर के टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एक सी एस सी पी एल ई हैं और कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और आप सी एस सी के माध्यम से किसी का बिल जमा करते हैं, तो बिल जमा करने से पहले आपको एक ऑप्शन नया मिलेगा जिसमें आप एक मुफ्त समाधान योजना के तहत ओ टी एस का रजिस्ट्रेशन आप अपने सी एस सी केंद्र पर कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है सी एस सी लॉगिन। तो मैं सी एस सी लॉगिन को सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल सेवा, और नीचे आपको मिलेगा डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और अपना जो सी एस सी आई डी पासवर्ड है उससे आपको अपनी आई डी लॉगिन करनी है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको एक पॉपअप मिलेगा। पॉपअप में दिया गया है एक मुफ्त समाधान योजना ओ टी एस, जो कि ओ टी एस की जो तारीख है वो 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है समस्त विद्युत भार के घरेलू वाणिज्यिक निजी नलकूप निजी संस्थान औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता के साथ चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने की राशि में छूट आपको मिल सकती है। और यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है चोरी के प्रकरणों में निर्धारित राशि पर छूट दी जाएगी। यह 3 योजना चरणों में अवधि में लागू रहेगा। ये सेवा आप 3 अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है प्रथम अवधि है 8 से 30 नवंबर तक सार्वजनिक छूट मिलेगी, और द्वितीय अवधि है आपकी 1 से 15 दिसंबर, और तृतीय अवधि है आपको 16 से 31 दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा। तो आपको ये कैसे करना है, पहले आपको ये पॉपअप हटाना है। चलो मैं यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे आपका पॉपअप हट जाएगा, और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर लाइनिंग दी गई है, तो इसमें आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बिल पेमेंट ओ टी एस सर्विस, ये ऑप्शन यहाँ पर नया आ गया है। तो आपको यहाँ पर ओ टी एस सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओ टी एस सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिजली प्रोवाइडर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, और नीचे आपको मिलेगा वन टाइम इंस्टॉलमेंट स्कीम DVNL। तो आप यहाँ से अपना जो बिजली प्रोवाइडर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर DVNL पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप DVNL पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर CA नंबर डालना है, जो कि आपका बिजली कनेक्शन नंबर होगा, जो कि 10 डिजिट अकाउंट नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। चलो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन चेक इनेबिलिटी का, तो मैं चेक इनेबिलिटी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप चेक इनेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके अकाउंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर आ गया है, किस नाम से आपका बिजली का कनेक्शन है वो भी आपके सामने आ गया है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे स्लॉट करना है। चलो मैं नीचे स्लॉट कर देता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर ओ टी एस की जो सुविधा है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से किसी भी कस्टमर का ओ टी एस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं किसी भी कस्टमर का, तो आप यहाँ पर अपनी इस लिस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है डेट, तो यहाँ पर डेट दी गई है 8 नवंबर से 30 नवंबर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट। तो आप इसमें वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है वो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त 1418 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना है। बाकी जो 70% आपका पेमेंट बचा है वो आपको 3308 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको करना है। और यहाँ पे आपको इसमें अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें जो बिल में आपकी छूट मिलेगी वो आपको 438 रुपये की यहाँ पर छूट मिल जाएगी, अगर आप इसका पेमेंट एक साथ करते हैं तो। और यहाँ पे आपको तीसरे ऑप्शन में की बात करें तो आपको यहाँ पर अगर आप 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अपना पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो आपको सेम मिलेगा 1418 रुपये, और यहाँ पर जो बचा हुआ बैलेंस है 70% वो आपको 3396 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना है, और जो आपका जो बिजली में छूट मिली है वो आपको यहाँ पर 350 रुपये मिलेगी। अगर आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है।
तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका पेमेंट किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है। जैसे कि आप 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 12 किस्त मिलेगी। अपना पेमेंट आप 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिली है आपको 279 रुपये की आपकी किस्त बनेगी, और रजिस्ट्रेशन आपको करना है 30%, यानी आपको 1418 रुपये रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको जमा करने हैं। अगर आप 8 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक आपके बीच में आप अपना पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 394 रुपये की छूट मिलेगी। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने CSC वॉलेट से जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट किया है वो अमाउंट आपको CSC वॉलेट से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका OTS का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार किसी भी कस्टमर का OTS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।